आज मु आपण मनक पई समर स्पेशल ठंडा ठंडा मेंगो कुल्फी रो रेसिपी निके आसी छी। बहुत सहज रे झटपट ए रेसिपी आपणकर बनकी रेडी हे जइबो। तो देरी न करी चालंतु ए मेंगो कुल्फी बनेबा प्रोसेस हम स्टार्ट करबा। सेथि पई मु एठी दुईटा आंब को नै जाइ छी। पूरा पाची जाइथिबा एठी आंब को मु नै छी। आंब को एठी भल भाबरे धोई दे छी। एबे आंब रो ऊपर जो टोपी अंश को एमती देखु छुरी साहाज्य फास्ट कट लगेद जमी भिडियो लगाऊँगी सेमती ही कट लगेदे। सेम प्रोसेस रे आर आंब को भी कट लगे किंतु ता पूर्वर आंब भितर को हल्का हल्का छुरी को पुरेबा आमती बुले बुले दबा जहाद्वारा आंब भितर टाकुआटी आमको बाहर करने को सहज हे। देखु मुमी करयरफुल करेंगे एटि देखु आंबर चारिपट सैड को टिके टिके भल भाव बुले बुले कि कट लगे आते बढ़िया से चारिपट सैड रु कट टाइप रही एमती गोटे चिमुटा साहाज्य बुले बुले कि आंबर टाकुरा को आम बाहर करवा। देखु एमती भल भाव बुले बुले कि केते सहजरे आंब टाकुआ को एठी मु बाहर करि देली। आंब टाकुआ को बाहर कर दे छी एठी मु। एबे सेम प्रोसेस रे आरो आंबर टाकुआ को मध्य एठी मु बाहर करि दे छी। एबे एठी सेम प्रोसेस रे आरो आंबर टाकुआ को मध्य मु बाहर करि दे छी। एबे आंब को मु ग्लास को फास्ट रखि देउ छी। ग्लास को आंब को रखि सारिबा परे एबे आकु भल भाबरे फ्रिज रे आमे 5 रु 10 मिनिट पई रखि देबा। फ्रिज रे आकु 5 रु 10 मिनिट पई रखि दे छी। एबे आमे नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। गैस फ्लेम ऑन करिकि बसि दे छी कड़ाई। कड़ाई गरम है मुझे अध ग्लास पाखापाखि नहीं जाऊँगी क्षीर। क्षीर पाखापाखि 100 ग्राम हे मुझे क्षीर नहीं 100 ग्राम क्षीर से 100 ग्राम एटी मुझे नहीं जाऊँगी अमूल पाउडर। एबे जस्ट टिके उषुम थिबा क्षीर से अमूल पाउडर को पकेबा आउ भल भाव गोलेबा। देखु मुझे क्षीर से अमूल पाउडर को भल भाव पकईकी आपको पूरा एमती कंटिन्यू गोलाउँछि नहले अमूल पाउडर गेटा हो जिवो। एबे एथिरे हाफ गिना हमें ऐड करिबा मलई। एटा सेई मलई क्षीर उपर जो सर थाए सेई मलई किंतु इटा अधिक दिन जो आम रखु स्टोर करी ताकु नेबेनी। आज ही मुझे बाहर करी क्षीर रु से मलई ही इटी मुझे यूज करी। एबे मलई को पके कि आको कंटिन्यू एमती आम गोल चलिबा। देखु कंटिन्यू हल्का हल्का लो मीडियम फ्लेम रे ये सब को मुझे भल भाव गोल आम एड करिबा चीनी। चीनी आपण आपण टेस्ट हिसाब से जितकी खाती से कम किंबा बेसी एटी आपण चाहिले ऐड करी परिबे। मु 3 टेबल स्पून चीनी दे दे छी। चीनी दे सल्ला परे ए सब को पूरा भल भाव देखंतु एटे गोळौ छी आउ 2 रु 3 मिनिट कंटिन्यू गोळिला परे एटा केते बढ़िया से एमती फुटेलानी आउ एठी आपण माने देखि परुथबे एटा टिके टिके बहळा बहळा मध्य हेबाकु लागिलानी। एबे हमर मेंगो कुल्फी पई मलई तो हे जाई छी बिल्कुल रेडी। आकु एबे पूरा ठंडा करि नेबा। देखंतु ए मलई को मु पूरा ठंडा करि रही छी आउ फ्रिज रे रखिथिबा आंबो सब को मु बाहर करि आनी छी। एबे आंबो भितरे एमिति ए मलई सब को देइ दबा। देखंतु आंब भितर पूरा मलई सब को भल भाव दे दी। मलई सब को दे सारापर आपको एमती टोपी द्वारा कभर कर देबा। टोपी द्वारा कभर करके पुणी थे फ्रिज रे मुझे रखिदी आ 10-12 घंटा फ्रिज रे स्टोर करने रखिदी। पूरा राति सारा को स्टोर करके फ्रिज भितर रखिदी आउ सका मुझे बाहर करके देखा। देखु केते बढ़िया से आंब आम सेट हो जाइए। एबे ऊपर टोपी को बाहर करवा आउ आंबर चोपा को पूरा भल भाव छड़े नवा। एठी देखंतु आंबर चोपा को पूरा भल भाव छड़े नहीं छी। एबे आकु पूरा पतला पतला करके गोटे गोटे स्लाइस खंड रे आमे काटि नेबा। पूरा पतला पतला करके गोटे गोटे स्लाइस रे देखंतु मुआकु केते बढ़िया से काटि नहीं छी आउ गोटे प्लेट को मध्य आकु सर्व करि दे छी। केते बढ़िया से ठंडा ठंडा आमर एठी मेंगो कुल्फी बनिकी रेडी हो गला। आपण माने देखि के जानि परिले केते सहज रे बेटा बनिला। एबे तो जेहेतु आंबर सीजन चली छी आपण मानक इजिली मार्केट रु आंब मिलजिव। तो ये प्रोसेस रे रेसिपी को गोटे थर बनातु आ बनी सारापर रेसीपी केमी लगला मत आपणकर अनुभव भिडियो कमेंट सेक्शन में जनातु। चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखे आसूबा बेल आइकन को भी क्लिक करूँ। धन्यवाद।